अगर आपका डाटा एक्सीडेंटली डिलीट हो जाए या किसी भी रीजन से करप्ट हो जाए या डिवाइस ही फिजिकली डैमेज हो जाए तो क्या आप उस डाटा को रिकवर कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में डाटा रिकवरी से रिलेटेड आपके सभी डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो ईडीयू। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले समझना जरूरी है कि डाटा लॉस क्यों और कैसे होता है, डाटा लॉस होने के क्या रीजंस हो सकते हैं। जैसे कि गलती से आपने डिलीट फॉर एवर कर दिया, हार्ड ड्राइव के मेन बोर्ड या मोटर में कोई प्रॉब्लम आ गई, सॉफ्टवेयर करप्ट होने से डाटा लॉस हो गया, किसी वायरस अटैक की वजह से डाटा लॉस हो गया, या नीचे गिरने से डिवाइस फिजिकली डैमेज हो गई। लेकिन दोस्तों टेंशन की बात नहीं है क्योंकि डाटा रिकवरी मेथड्स आपके लॉस्ट डाटा को वापस ला सकते हैं। अब सवाल यह है कि डेटा रिकवरी कैसे होती है? तो डेटा रिकवरी का प्रोसेस डिपेंड करता है डेटा लॉस के रीजन और स्टोरेज डिवाइस के टाइप पर। तो चलिए सबसे पहले हम इनकी टाइप्स को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनमें नॉर्मल हार्ड ड्राइव जिनको HDD कहते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव जिनको SSD कहते हैं, USB फ्लैश ड्राइव और मेमोरी कार्ड शामिल होते हैं। हर डिवाइसेस का डेटा रिकवरी प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होता है। चलिए पहले बात करते हैं नॉर्मल हार्ड ड्राइव मतलब HDD की। तो इसमें जब आप किसी फाइल को डिलीट कर देते हैं तो वो फाइल एक्चुअल में हार्ड ड्राइव से रिमूव नहीं होती बल्कि उन फाइल्स की स्पेस को फ्री मार्क कर दिया जाता है कि न्यू फाइल्स उन स्पेस को ओवरराइट कर सके। तो यहां पर डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर कैसे काम करते हैं, वो उस डिलीटेड फाइल्स को स्कैन करते हैं और वापस आपकी आपके डेटा को रिकवर करने में आपकी मदद करते हैं। तो यहां पर कुछ मशहूर डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर हैं जो हार्ड ड्राइव के लिए यूज होते हैं, उनमें रिकवा और स्टेलर डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर शामिल हैं। ये सॉफ्टवेयर डिलीट फाइल को स्कैन करते हैं और आपको डेटा वापस रिकवर करने में आपकी मदद करते हैं। अब बात करते हैं दूसरी टाइप की जिसे सॉलिड स्टेट ड्राइव या SSD हार्ड ड्राइव भी कहते हैं। SSD हार्ड ड्राइव में डेटा रिकवरी थोड़ा चैलेंजिंग होता है क्योंकि SSD वेयर लेवलिंग और ट्रिम कमांड यूज करती है। ट्रिम कमांड्स डिलीट होने वाले डेटा को इमीडिएटली इरेज कर देता है ताकि न्यू डेटा जो हम कॉपी करेंगे न्यू डेटा को एफिशिएंटली राइट कर सके। लेकिन यहाँ पर भी कुछ स्पेशल रिकवरी टूल्स और टेक्निक्स हैं जो SSD हार्ड ड्राइव से भी डेटा रिकवर कर सकते हैं। SSD हार्ड ड्राइव के लिए भी कुछ इफेक्टिव डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे कि डिस्क ड्रिल या प्रोसॉफ्ट डेटा रिसोर्सेज। ये सॉफ्टवेयर एडवांस एल्गोरिथम को यूज करके SSD हार्ड ड्राइव से भी डेटा को रिकवर कर लेते हैं। अब बात करते हैं तीसरी टाइप की जिसमें USB फ्लैश ड्राइव और मेमोरी कार्ड आते हैं। USB और मेमोरी कार्ड के केस में भी सिमिलर प्रोसेस होता है। इनमें भी जब कोई डाटा डिलीट होता है तो उसकी स्पेस फ्री मार्क हो जाती है और रिकवरी सॉफ्टवेयर उस डिलीट डाटा को स्कैन कर सकते हैं तब तक जब तक वहां पर कोई डाटा ओवरराइट ना हुआ। USB और मेमोरी कार्ड के लिए भी कुछ मशहूर रिकवरी सॉफ्टवेयर हैं जैसे कि मिनी टूल पावर डाटा रिकवरी या फिर रिकवर इट बाय वंडर शेयर। ये सॉफ्टवेयर इजीली USB फ्लैश ड्राइव और मेमोरी कार्ड स्कैन करके आपके लॉस्ट डाटा को रिकवर कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों अगर डाटा लॉस फिजिकली डैमेज की वजह से हो जाए तो डाटा रिकवरी थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ऐसे केस में प्रोफेशनल डाटा रिकवरी सर्विसेज प्रोवाइडर की जरूरत पड़ती है। ये एक्सपर्ट क्लीन रूम एनवायरमेंट में एडवांस टेक्निक्स और टूल्स की मदद से डैमेज ड्राइव को सबसे पहले रिपेयर करते हैं फिर उसमें से डाटा को रिकवर करते हैं। अक्सर प्रोफेशनल डाटा रिकवरी सर्विस प्रोवाइडर जो हैं वो हेड क्रैश, मोटर फेलियर और PCB डैमेज जैसे इश्यू को हैंडल कर सकते हैं। ये प्रोसेस बहुत ही टेक्निकल होता है और इनके लिए स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट की जरूरत भी पड़ती है, इसलिए खुद से रिपेयर करने की कोशिश ना करें क्योंकि अगर खुद से रिपेयर करने की कोशिश करेंगे तो ड्राइव ज्यादा खराब हो जाएगी। डाटा रिकवरी का प्रोसेस थोड़ा
मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, लेकिन बहुत केसेस में आपका सक्सेसफुल डाटा रिकवर हो जाता है। तो हमेशा बैकअप रखना चाहिए ताकि आपको कभी भी डाटा लॉस का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, ये थी डाटा रिकवरी की एक डिटेल एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहें। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट किसी वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।